किसी के घर में भी अन्न के दाने की कमी नहीं होना चाहिए, और गरीब से गरीब घर में इतनी ताकत होना चाहिए कि एक नहीं सौ सौ मुनि भी आ जाए तो आहार दान का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। मैं क्यों विरोध करूंगा, मैं तो चाहता हूं मेरी समाज बड़ी संपन्न हो, मैं तो चाहता हूं मेरी समाज धनवान हो, मैं क्यों कहूं मेरी समाज कंगाल हो जाए। नहीं तो जोड़ियां भरी रहे, हरे रहो भरे रहो, ये दुआएं मैं तुमको प्रदान करता हूं दश लक्षण पर। बोले महाराज आज तो प्रवचन में मजा आ गया, आज तो जल गए लाल दिया। ध्यान रखना, विचार करिए, कोई अन्न की कमी ना पड़े, ऐसा भंडार भरे, सारी दुनिया पर एक छत्र राज कर। ध्यान रखना, मैं तो दुआ देता हूं कि तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। इतनी संपदा दे ईश्वर तुम्हें, क्यों नहीं दूंगा दुआएं। एक कुत्ता भी रूखी सूखी रोटी खाता है ना, तो मालिक का भला सोचता है, मैं तो मुनि हूं, घी लगी रोटी खाता हूं, बड़े प्यार से खाता हूं, तुम्हारी उन्नति की सोचना मेरा धर्म और फर्ज हुआ करता है। विचार करना है आपको, मैं बिना घी के खा लूंगा, तुम घी लगी रोटी खाओ, मैं बिना कपड़ों के रह लूंगा, तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, मैं बिना मकान के रह लूंगा, तुम्हारी बड़ी बड़ी हवेलियां कोठियां बनना चाहिए, मैं पैदल चल लूंगा, तुम्हारे पास तो मर्सिडीज कार होना चाहिए। पैसा पूरा नहीं है, बिना पैसे के तो तीर्थ नहीं बनेगा। बना लो जिन शासन, बना लो नारेली, बना लो जिन शरणम, काय से बनेगा? हस्तिनापुर काय से बना? अयोध्या काय से बनी? पैसा पैसा, टका हरता टका करता, टका मोक्ष प्रदायक। ध्यान रखिए, इतना पैसा हो, लेकिन एक बात याद रखो, जोड़ो, भगवान ने जोड़ने को मना नहीं किया है। अरे मना क्या नहीं किया, मेरे महावीर ने तो इतना आशीर्वाद दिया है कि मेरी समाज में पैदा होने वाला कभी भीख नहीं मांग सकता है। ध्यान रखना कि जिनेंद्र भगवान की कृपा होती है, कभी कोई जैनी भिखारी दिखाई नहीं देगा। अरे रिक्शा चला लेगा, मेहनत कर लेगा, मजदूरी कर लेगा, किसी के सामने भीख नहीं मांगेगा। जैन समाज कितना पुण्य तो तुम लेकर ही आते हो, इस समाज में पैदा होते ही इतना पुण्य तुम्हारे जीवन में होता है कि तुम्हें भीख मांगने की जरूरत, इतनी ताकत तो लाते हो कि कमा के खा सकते हो। ध्यान रखिए, इजनेन्द्र भगवान की शरण का फल है, एक मुट्ठी चढ़ाते हो, बोरे भर भगवान घर में पहुंचा दिया करता है। ध्यान रखना, इजनराज की कृपा। लेकिन मेरे भगवान ने एक बात और कही है, जोड़ो खूब जोड़ो खूब जोड़ो, लेकिन एक बात याद रखना, जोड़ने के साथ साथ छोड़ने की कला भी आना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने जोड़ा है लेकिन छोड़ा है, हमारे पूर्वज भरत चक्रवर्ती ने छह खंड पृथ्वी जोड़ी, सारी दुनिया की संपदा, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 96,000 रानियां, अयोध्या के ही नहीं छह खंड के सम्राट बने भरत चक्रवर्ती, 9 निधि 14 रत्न के स्वामी हो गए, अपार दौलत, सारी पृथ्वी पर एक छत्र राज किया। लेकिन मेरे पूर्वजों ने जोड़ा तो इतना जोड़ा कि सारी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर ली, और छोड़ा तो इतना छोड़ा कि तन पर चिंदी भी रखने की आवश्यकता महसूस। ये है जैन धर्म, ध्यान रखना, जोड़ो। ऋषभ देव ने कितना जोड़ा, जो संपदा ऋषभ देव के पास वो शायद दुनिया में किसी के पास ना होगी। जिनके पिता मनु कहलाते हैं, जिनके पिता कुलकर कहलाए, सारे महान पद ऋषभ देव के घर में मौजूद थे। पिता कुलकर स्वयं तीर्थंकर, ब्राह्मी सुंदरी जैसी प्रथम गढ़नी आरिकाओं का सौभाग्य प्राप्त किया कामदेव प्रथम। यदि कहीं पैदा होते हैं ऋषभ देव के घर में, बाहुबली बनकर के कामदेव प्रकट हो जाया करते हैं, चक्रवर्ती घर में ही
कौन सा पद है जो उनके घर में नहीं था? शांतिलाल जी, सारे ही पद तो थे ऋषभदेव के घर में, ऐसा कोई पद नहीं है। दुनिया के सारे महान पद ऋषभदेव के घर में ही मौजूद थे, ध्यान रखना। प्रथम मोक्षगामी ज्येष्ठ पुत्र अनंत वीर्य, जिसने मोक्ष का द्वार खोल दिया सारे जगत के लिए, ध्यान रखना। प्रथम मोक्षगामी घर में राजा श्रेयांश उनका ही रिश्तेदार, प्रथम आहार दाता। अच्छा हुआ भगवान इस कलयुग में पैदा नहीं हुए, नहीं तो अजमेर वाले कहते वाहरे भगवान सारी पोस्ट अपने घर में रख ली, दूसरों को कुछ दिया ही नहीं जगत में, ध्यान रखना। सारे पद उनके ही घर में मौजूद, ऐसा कोई सा नहीं। सौधर्म इंद्र सारा देवलोक हाथ जोड़कर खड़ा जिनके दरबार में, किंकरों की भांति इंद्र नाच रहा है भगवान के। बताओ हजारों करोड़ों अरबों देवताओं का सम्राट ऋषभ देव के चरणों में किंकर की भांति नृत्य किया करता है, कितना वैभव ऋषभ देव का। जोड़ा तो इतना जोड़ा, किसी के लिए कुछ ना छोड़ा, और छोड़ा तो इतना छोड़ा कि अपने लिए फिर कुछ ना छोड़ा, ध्यान रखिए। यही है उत्तम सोच धर्म, जीने के साथ साथ जाना भी है, इस बात को कभी भूल मत जाना अपनी जिंदगी में। मान सोचना है आपको, त्याग करने की ताकत अपने अंदर पैदा करो, जोड़ने का हक उसी को है जो छोड़ने की ताकत रखता हो, और जो छोड़ने की ताकत नहीं रखता है उसे जोड़ने का भगवान कोई हक प्रदान नहीं कर। तलवार उठाने का हक किसे है? शस्त्र उठाने का हक किसे होता है मालूम है आपको? हथियार रखने का हक किसे होता है? जो रणभूमि में हथियार उठाता है उसे ही हक नहीं होता है, बल्कि तलवार छोड़ने की ताकत जिसके अंदर होती है उसे ही तलवार रखने का हक प्रदान किया जाए। छोड़ने की ताकत है, युद्ध में तलवार उठाना बड़ी बात नहीं है, युद्ध में तलवार फेंक देना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। वीर तो वही है जो शस्त्रों से नहीं धर्म से युद्ध लड़ा करता है। माने सोचना है अपने बारे में, पिछले पर्यूषण से इस पर्यूषण तक मेरी मन की शुद्धि हुई है या नहीं हुई है, मेरा मन पवित्र हुआ है या नहीं हुआ है, मेरी आसक्तियां कम हुई हैं या नहीं हुई हैं। पदार्थ रहे आसक्ति मत रखो, ध्यान रखना। अभी लोग देख रहे हैं ना मेरा कमरा, मेरी ये ठाट बाट, अरे वाह महाराज क्या महाराज आए हैं अजमेर में, कमरा तो देखते ही बनता है। उस कमरे में बैठने की ताकत यदि मैं रखता हूं तो बिहार में टूटे कमरे में सोने की ताकत भी अपने अंदर रखता हूं। माने विचार करिए, चलती रहती है आदमी के दिमाग में खुरापा, संन्यास भीतर की चीज है, सुचिता भीतर की चीज है, भीतर की पवित्रताएं होना चाहिए। जब मैं यहां से विहार करूंगा तुम रोओगे कि मैं रोऊंगा? बोलो मैं क्यों नहीं रोऊंगा? इतनी अच्छी रोटी दी, इतनी सेवा की, इतनी अच्छी धर्मशाला दी, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं दी, इतने अच्छे अच्छे तुम भक्त हो, मैं क्यों नहीं रोऊंगा? तुम क्यों रोओगे? ध्यान रखना। कहना आसान है कि धन क्या है, कुछ नहीं, हाथ का मैल बहुत आसान है मैल, लेकिन ये मैल ऐसा है जो छाती से लगाने को मन करता है, ध्यान रखिए। पैसे से हमें क्या लेना देना, बहुत आसान है कह देना, पर छूटना बहुत मुश्किल का काम है। विचार करना है आप, पैसे के बिन तुम करोगे क्या? पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं,
पैसा नहीं होगा तो धर्म भी कैसे करोगे? पैसा नहीं तो मूर्ति कहां से लाओगे? पैसा नहीं तो मंदिर कहां से बनाओगे? पैसा नहीं तो संधि पे पंडाल कहां से लग जाता? पैसा नहीं तो चतुर्मास कहां से हो जाता? पैसा नहीं होगा तो पंच कल्याणक कहां से होंगे? पैसा नहीं होगा तो बड़े धड़ा की नसिया बनेगी कैसे? पैसों से तो बनती है ना, ध्यान रखना। मैं पैसों का विरोधी नहीं, पैसा होना चाहिए। पैसा नहीं तो सब व्यर्थ है। पैसा नहीं तो विवाह नहीं, पैसा नहीं तो परिवार नहीं, पैसा नहीं तो व्यापार नहीं। पैसा तो चाहिए, पैसे बिना कोई जय जिनेन नहीं करता मेरे भाई। पैसे बिना डॉक्टर भी दवाई नहीं करता, पैसे बिना दो रोटी को भी खाने नहीं मिलता। और तो और अजमेर वालों, यदि गांधी जी ना हो तो बाजार में एक कप चाय भी नहीं मिलती है, ध्यान रखिए। पैसे से मिलती है चाय, बिना गांधी जी के क्या होता है? पार्टी कोई सी भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, चाहे आप हो, बिना गांधी जी के देश चलता? गांधी जी तो बहुत जरूरी है, उनके बिना ये देश नहीं चलता है। बिना पैसे की दुनिया में ये बैंड बज रहा है, शादी के त्योहार के फ्री में बजा रहे हैं। राम कुमार ये फ्री फंड में आया है, भूमेश कालिया भिंड वाला हंसा रहा है, मेहनत कर रहा, नोट नहीं लेगा? लेगा मेरे भाई, लेगा। हम ही तीन बैठे हैं फ्री फंड के रंग धड़ में, ध्यान रखना। मैं ही गला फाड़ रहा हूं दो बार, सुबह दोपहर शाम, जब देखो जब बोल रहा हूं। मिला क्या बाबा जी का? कुछ नहीं मिलता है जी। अपनी डमी लिफाफे में करेंगे कोई कमी? कोई कमी नहीं, ध्यान रखना। बिना पैसे ये कलश फ्री फंड में रखा है क्या? 55 लाख लगे हैं मेरे भाई, 55 लाख, ध्यान रखना। नादान है वो लोग जो धन की बुराई करते हैं, धन कभी बुरा नहीं होता। धन बुरा कहो भला कहो, धन भरा बुरा नहीं होता। धन बुरा हूं भला कहिए, लीन पर उपकार। परोपकार कैसे करोगे यदि पैसा नहीं होगा? पैसा तो बहुत जरूरी है, इसलिए कमाओ पैसा, जोड़ो पैसा। मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं तो आशीर्वाद देता हूं कि मैं नंगा रह लूं लेकिन मेरी समाज नग्न नहीं होना चाहिए। मैं तो आशीर्वाद देता हूं सबकी झोलियां भरी होना चाहिए। मैं तो आशीर्वाद देता हूं, हम यदि थोड़े निरंकुश हो जाए तो आचार्य हमें दंड देने के अधिकारी हुआ करते हैं, प्रायश्चित देने के अधिकारी होते हैं, सजा देने के अधिकारी होते हैं। और एक आचार्य यदि प्रायश्चित दे तो सौभाग्य समझना अपना। गुरु ने डांट दिया, किस्मत समझना। आचार्य ने प्रायश्चित दिया, किस्मत समझना। अरे जिस बेल का माली होता है वही बेल ऊपर चढ़ती है, बिना माली की बेल कभी ऊपर नहीं चढ़ा करती है। और जिस मोक्ष गामी के, जिस कल्याण के इच्छुक पर गुरु का दंड होता है वह जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त किया करता है। मान्यवर, पूरे हिंदुस्तान में जिस दिन से हमने माँ बाप और घर छोड़ा है, किसी की मजाल नहीं कि हमें डांट सके और हमें दंड दे सके, लेकिन एक बात याद रखना अजमेर वालों, एक को ये अधिकार है जो मुझे डांट सकते हैं, दंड दे सकते हैं, और वह अधिकार उन्होंने मांगा नहीं है, हमने समर्पण के साथ वो अधिकार उन्हें सौंपा है। वो है सद्गुरुदेव आचार्य पुष्प दंत सागर जी महाराज, सौंपा जाता। आचार्य जबरदस्ती सजा नहीं देते, आचार्य कोमल होते हैं। जब दंड देते हैं तो कड़क लगते हैं लेकिन होते कोमल हैं। वो जबरदस्ती जज नहीं बनते हैं, हम उन्हें अधिकार दिया करते हैं कि हे गुरुदेव, यदि मोक्ष के मार्ग पर कहीं पैर लड़खड़ाएं या कदम बहक जाएं हमारे,
तो ज्ञान की चाबुक मारना ताकि ये घोड़ा सीधा चलने को तैयार हो जाए। ध्यान रखिए, एक ना एक गुरु होना चाहिए जो सजा दे, दंड दे, ध्यान रखना। नहीं तो लिखा है ना, शिष्य और सीसी में डांट बहुत जरूरी है। जिस सीसी में डांट नहीं होती, डांट यानी हाँ ये तो मालूम है, ढक्कनों को संभाल के रखना पड़ता है मेरे भाई। नवरतन जी, बाजार में पेन तो मिल जाते हैं, ढक्कन नहीं मिलते, इसलिए मैं पेन से ज्यादा ढक्कनों को संभाल के रखता हूं। होते हैं बहुत से ढक्कन संभालना पड़ते हैं। ढक्कन कीमती होता है भाई, अब इसका ढक्कन घूम जाए तो कहां रखूंगा मैं इसको, इस पेन की दशा बिगड़ जाएगी। इसलिए आपसे कहता हूं, पेन तो कीमती होता है, उससे ज्यादा कीमती ढक्कन होते हैं, परिवार में भी होते हैं, समाज में भी होते हैं, देश में भी होते हैं। इन ढक्कनों को संभाल के रखो, ध्यान रखिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। विचार करना, सीसी में भी डांट